किरण को परखने आए हैं, तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए ना। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि जिस कुड़ी के नाल आपका ब्याह हो रहा है वही रांझण है। और आपको क्या लगता है मैं आपसे आपका दिल दुखाने वाली बातें करती हूँ? आपको क्या पता कि आपका मुझसे इतने अच्छे से पेश आना, मेरी फिक्र करना, मुझसे बातें करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे इतने करीब आना मेरा कितना दिल दुखाता है, कितनी तकलीफ होती है मुझे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए चीजों को और मुश्किल मत बनाइए। रब के लिए मैनु मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। गजब की थी वो लाली, गजब की थी वो सुर्खी, वो उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या खो रहा है मेरा मन रो रहा है, निशान चेहरे के है ये तू दर्पण धो रहा है, क्यों दर्पण धो रहा है। मैं की सोच रहा सी करम्या कि अब तो रणधीर को यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं यार, अब तक तो उसने मन बना लिया होना मेरी बेटी किरण बाला के बारे में। मैं चाहता हूँ तू उससे बात कर ताकि दी हुई जुबान पे गल आगे बधाई जा सके। ओए ऐसी भी क्या जल्दी है यार। ओ यार तेनु ते पता है जिस दिन कुड़ी के ब्याह की बात चलती है उसकी माँ उसी दिन से मेहंदी घोल के बैठ जाती है। अब देरी नहीं होनी चाहिए, छेती से छेती हमें दोनों की मंगनी कर देनी चाहिए। बात करता हूँ मैं घर पे। ठीक है, चंगी गल है, तू परजाई के नाल सलाह मशवरा करके बता देना कि कद आ रहे हो। हैं? जल्दी आते हैं। अच्छा रखना है, ठीक है ठीक है। ओ कह रहा सी के छेती आ रहे ने। हाय रब 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 रब, प्राजी मैं बड़ी खुश आ। जनाब 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 जनाब, आपको कल के अखबार के लिए बेजुबान और सुनाई ना देने वाले लोगों पर आर्टिकल लिखना है और आप फंसे हुए हैं इस उलझुल के कामों में। हाँ जी जनाब, चाय पीजिए। शर्फू मियाँ, ये उलझुल के काम नहीं है। ये देखिए, इधर दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, इसे सिर्फ कार्टून ना समझे। पर जनाब ये दिल और दिमाग का झगड़ा है किस चीज के लिए? हाँ जी, ये घर वाले भी ना हद ही करते, खुद तो चले गए अपने अपने कमरे विच पर हमें लगा दिया यहाँ मक्खन निकालने में। चल तू अच्छे से चला, तभी तो निकलेगा मलाई में से मक्खन। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तेनू मक्खन की पड़ी है। रात में कौन मक्खन निकालता है भला? क्यों रात में? तेनू कोई नई कहानी सोचनी थी रांझण। जनाब भाई, आप तो हमेशा से रांझण के दीवाने रहे और अब जब आपको पता चल चुका है कि किरण बाला ही रांझण है और आपका विवाह भी उसके साथ में हो रहा है तो आपको किस बात का मलाल है जनाब? यही कि रांझण उसकी कहानियों की इज्जत की जा सकती है। लेकिन ये जो दिल है ना, सिर्फ अमृत के लिए धड़क रहा है। या फिर रणधीर शहजादों को खुश करने के लिए कोई नया झूठ सोचना था। हाय, अपने आप नू ना ज्यादा ना समझ अमृत,
रणधीर तो वैसे भी मेरा होने वाला है, मुझे उसे खुश करने की ना कोई जरूरत ही नहीं। अगर ऐसा है तो रुक जरा, आज ही सारी जल जाएगी। जिस दिन वो मुझे डोली में बिठा के यहाँ से ले जाएगा उस दिन का क्या? उस दिन के लिए भी अपने आप को थोड़ा बचा के रख मेरी प्यारी बहन। वैसे भी इन्ने बड़े घराने की बहू बनने वाली हो, वहां जाके सारे छोटे मोटे काम तो नौकरों ने ही करने हैं। मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं वो करके आई। तब तक तू ये मलाई में से मक्खन निकाल के रखना। हाँ मैं चली। चल चल काम पे लग। दिल और दिमाग की जंग में उलझ के रह गई हूँ मैं। दिल से रणधीर जी को कैसे निकाला? जनाब तो ये दिल है ना, ये बेवकूफिया करने के लिए बनाया है रब ने। मैं चंगी भली लड़की है किरण बाला, और वैसे भी आपके बाबूजी ने जुबान दे दी है। सोचिए दिमाग से। बाबूजी ने सिर्फ एक वचन दिया शर्फू मियां, मुझे शादी करने के लिए 7 वचन देने होंगे। कैसी लड़की को इतने सारे वचन कैसे दे दूं जिससे मोहब्बत ही नहीं है? जनाब अगर मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम होता ना तो ये हीर रांझा शिरीन फराद और लैला मजनू ना खुश शहीद होते ना इनकी मोहब्बत। और जनाब वैसे भी आपके पिताजी ने शादी से पहले कौन सी मोहब्बत की थी आपकी मम्मी जी के साथ? लेकिन 30-40 साल से वो खुश है ना। सोचिए जनाब दिमाग से सोचिए। एक मिनट जनाब, डायरी और कलम पकड़िए, पकड़िए ना, और घर चलिए। कुर्सी मेज पर बैठ के अपने दिमाग को दिल की रस्सियों से आजाद कीजिए, है जी, और अधूरा काम पूरा कीजिए। चलिए 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 जनाब। दिल ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है, दिल तो बस वही करता है जो वो चाहता है। दिल जब जिद पर आ जाता है तो उसे तब तक चैन नहीं आता जब तक वो जिद पूरी नहीं कर लेता। तू फिक्र ना कर, वो लड़का तुझे देखने नहीं आ पाएगा, मैंने सब संभाल लेना। दिमाग बार बार कहता है कि ये गलत है, पर दिल हर बार उसकी बात मानने से इनकार करना चाहता है। बड़ा सिद्धि है ये दिल, उसी को पाना चाहता है जो दूर जाना चाहता है। प्यार सिद्धि होता है और सिद्ध में सही गलत नहीं होता, एक हौसला होता है आसमान को छू लेने का, एक जुनून होता है बड़ी से बड़ी दीवार को पार कर लेने का। ओए, वो सब सोच लिया मैंने। वो उस मुंडे को हमें सराय से उठाना है और वो पुराने वाली हवेली में बंद कर देना, और फिर पता है कब खोलना है? तभी जिस दिन उसको रंगून के लिए निकलना होगा। हाँ, इससे वो तुझे मिल भी नहीं पाएगा, तुझे देख भी नहीं पाएगा, अपना काम नहीं बिगड़ेगा है? पर उदय मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं तू पकड़ा वकड़ा गया तो तीनों घरों में हंगामा हो जाना है। ओए तू फिक्र ना कर, तेरा प्यार है ना मेरे साथ, मैंने सब संभाल लेना। अल्लाह करे उदय ने जो सोचा है वो हो जाए। Thank you.
जी जनाब, फारूक अंसारी से मिलना है। वो वहां पे। तो ये वो लड़का है फारूक जो वशमा को देखने आने वाला है। अरे अबरार भी आए, ये मुझे यहां देख लेगा तो पहचान जाएगा। ओए, रुक! कौन है तू? छोड़ूंगा नहीं तुझे। खैर नहीं, ठीक है आप? वशमा की तस्वीर। हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, तो ये कौन था? जनाब, देश के हालात तो आपको मालूम ही है, मुल्क में क्या क्या हो रहा है। अरे होगा कोई दंगई जो आपका पीछा करते करते यहां तक आ गया आपको लूटने के इरादे से। हाँ आप बैठिए, मैं पानी लेकर के आता हूं। आपने जमीन से उठा के जेब में क्या रखा था भाईजान? वो गाड़ी की चाबी थी, वो हाथापाई के दौरान जेब से गिर गई थी तो वही वापस रखी। आप बैठिए, मैं पानी लेकर के आता हूं। पुत्र जी, इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहते। बाहर देखती हूँ। कहाँ लगी है चुप? ओए, मैंने एक गलतास, तेनू आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, अबरार भाईजान तो अब तक घर नहीं लौटे और अम्मी अबू सो चुके। चल चल बैठ आराम से।
कहीं और तो चोट नहीं लगी ना तुझे? वो लगी है ना। अच्छा पहले क्यों नहीं बताया कहाँ लगी है? ओ यहाँ। बेवकूफ कुछ भी कहते। ओए वशमा यार मेरे से एक गड़बड़ हो गई है। क्या? वो यार मैं सराय गया था ना वहां झगड़े में तेरी तस्वीर वहीं गिर गई। सराय में? हाँ। फिर तू मेरी तस्वीर वहां क्यों ले गया? ओ यार तेरी तस्वीर तो हमेशा होती है ना मेरे पास बटू। बेवकूफ बटुए में तो पैसे रखते तस्वीरों को तो दिल में रखा जाता है। कुछ सीख लेता मेरे से। ओए सच्ची? जी। चल चूठी। वो एक गल दस उस मुंडे फारूक ने मेरी तस्वीर तो नहीं देख ली होगी ना? आराम से उदय आराम से। ओए रब करे ना देखियो। ओए रब करे देख लियो। हैं? हाँ मतलब सोच कौन ऐसी लड़की से ब्याह करना चाहेगा जिसकी तस्वीर किसी और मुंडे के जेब से गिरी हो। तेरा दिमाग खराब है कुछ भी बोल रही है। और ठीक है मान लिया तेरे से शादी वादी नहीं करेगा वो लेकिन तेरी तो बदनामी हो जानी है ना कुछ भी बोलती रहती है। आए, 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 आए। तुझसे अपना नाम जोड़ने के लिए थोड़ा बदनाम भी हो गए तो क्या हो गया? अच्छा वो मैं घर का दरवाजा बंद करने आ रही थी तो उदय को देख लिया तो बस बात करने आ गई। मैं चलती हूँ। शब्बक है। ओ जी बहुत ज्यादा रात हो गई थी ना और आप अभी तक घर पर नहीं आए थे पुत्र जी तो बस देखने आ गई आपको एमी है। कहीं और तो चोट नहीं लगी ना तुझे? वो लगी है ना। कहाँ लगी है? ओ यहाँ। मेरी तस्वीर वहां के ले गया। ओ यार तेरी तस्वीर तो हमेशा होती है ना मेरे पास बटू। ये दोनों जैसे बात कर रहे थे वैसे सिनेमा के हीरो हीरोइन भी कर रहे थे तो क्या ये भी प्यार है? तो चक्कर आने शुरू हो गए जनाब। आपका ये आर्टिकल पुरानी हो ना मैंने भूखे मर जाना है। और ये क्या जनाब एक लाइन तक लिखी नहीं गई आपसे। शर्फू मियां मानिए कि जो हमारा कलम है ना ये रूठ गया है हमसे। अंदाज़े बयान गुम है ना ले है ना तरन्नुम में। एक बात में सो बात कहने की जैसे आदत छूटी गई हमसे। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। मम्मी जी तुसी यहां रसोई विच क्यों सो रहे हो? रणधीर ने अभी तक खाना नहीं खाया ना बस उसी की राह देख रही थी। तो क्या जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप यहीं बैठी रहेंगी? घर का मेहमान भूखा रहे तो नींद कैसे आ सकती है? होगा कोई जरूरी काम इसीलिए नहीं आया अभी तक। ठीक है तो आप जाओ मैं रुक जाती हूँ। नहीं अमरू मैं रुकती हूँ ना। मामी जी तुसी फिकर ना करो मैंने उन्हें खाना खिला के ही सोना है। ठीक है। मुगर विचारी की करे बेटी से दुखी होके मरे। मैं इसके लिए दिन रात सोचती रहती हूँ और इसको देखो पैर पसार के सो रही है महारानी। उठ ओ किरण बाला उठ ओ मरजानिया उठ। बीजी बीजी की बच्ची बीजी। क्या बीजी बीजी कर रही है? इन्ना सोना सपना देख रही थी आग जल रही थी
रणधीर जी के साथ मेरे फेरे हो रहे थे। हाय, आग ना मेरे अंदर लग रही है। तू ना सपने में ही ना फेरे लेती रह जाना, और वो रणधीर अमृत की डोली लेके चले जाना है। तो क्या करूं? आधी रात को जाके डोरे डालू उस पे? नहीं नहीं नहीं, वो डोरे नहीं डालने। लेकिन जो डोरे डाल रही है उसको तो रोक सकती है। वो देख, रणधीर ने ना रोटी शोटी नहीं खाई है, और वो अमृत उसका इंतजार कर रही है कि वो उसको कुछ खिला सके। एक और बात कह दूं तेरे को, अगर खाना खिलाने में नैन मटक्का हो गया तो मैं तेनू कंधा भी नहीं देना रोने के लिए। विजी, अभी करना क्या है वो बता। रब रब रब। और तू रसोई में जा, और रणधीर को ऐसा लगना चाहिए कि तू उसके लिए भूखी प्यासी बैठी हुई है। हा? उसको खाना खिला है? है। सोने के बाद मैं तेरी जान ले लड़ी है। चल ओ जल्दी चल, मुझे सोना है। ओ रब रब रब। ओ मेरी लाडो रानी, तू जाके ना सो जा। रणधीर को खाना मेरी किरण बाला खिलाएगी। हाँ, और वैसे भी व्याह के बाद तो इसी ने ही खाना खिलाना है ना रोज रोज। रब रब रब। जी बीजी। ये सही गल नहीं है। ये क्या बात हुई इतनी रात तक किसी को जगा के रखने की? इसमें भी कुछ नहीं लिखा। आइए जनाब। चलिए आप चल के खाना खा लीजिए, ऐसे किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। मेरा मतलब है कि किरण कब से वहां बैठी है, आपका इंतजार कर रही है आपको खाना परोसने के लिए। अब देखिए, उनको बोल दीजिए कि ना इंतजार बेवजह है, जब तक जनाब का आर्टिकल पूरा नहीं होगा ना तो उनके गले से निवाला नहीं उतरेगा। ऐसा भी कौन सा आर्टिकल है जिसे लिखना इतना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? आपको क्या लगता है, आप क्या जानते हो बेजुबान लोगों के बारे में? वो बेचारे कितना भी चीख ले पर उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। परफेक्ट। वो बेचारे चीखते रहे मगर आपके कानों ने ना सुना ना सुनना चाहा। थैंक यू, बिगनिंग मिल गई मुझे मेरे आर्टिकल की। तो फिर मैं चला खाने के लिए। हैं? मुझे भूख नहीं है। कभी कभी किसी का दिल रखने के लिए भी खा लेना चाहिए। किरण कब से वहां बैठी है, आप खा लेंगे तो उसने भी चैन से सो जाना है। किरण 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 उठ, देख मेहमान आ गए खाना खाने के लिए, उठ और उन्हें खाना निकाल के दे। किरण उठ। वो दे देगी तो कौन सा स्वाद कम हो जाएगा, दे देना। मैनू बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, तू दे 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 दे। शुक्रिया। जी क्या है ना कि रात के इस पहर आप देर रात जाग के मेरे लिए खाना लगा रही हैं, तो एक शुक्रिया तो बनता है। ¶¶
गिरवी दीवाने हैं ये तेरी चुरा के तुझसे नजरें तुझे देखा करेंगी ये क्या दीवानगी है क्यों मेरा दिल शोर पाए ये क्या मुझको ऐले तेरे अब्बू भी ना सारी की सारी दुकान कार पर ही लगवा दी ऐ देख खूबसूरत है ना तुझे जो पसंद आए ना पहन ले इसके बाद तुझे लाला जी के घर भी जाना है वहां पे तेरी अमृत बाकी की तैयारी करेगी जी अम्मी अश्मा जी भाईजान कल रात सराय में तुम्हारी ये तस्वीर गिरी थी किसी की जेब से यार मैं सराय गया था ना वहां झगड़े में ना तेरी तस्वीर गिर गई मुझसे किसके जेब से भाईजान वही तो मैं पता करने आया हूं कि कौन हो सकता है जो तुम्हारी तस्वीर रखता हो और फारूख पर हमला करने का इरादा भी अब भाईजान अब मुझे कैसे पता होगा मुझे तो ये भी याद नहीं कि ये मेरी कब की तस्वीर है या खुदा भाईजान मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कौन हो सकता है ये तो चिंता मत कर वो मैं पता कर लूंगा वश्मा ये कौन है जो तुम्हारी तस्वीर रखता है और सराय में वो क्या कर रहा था फिलहाल शुक्र इस बात का है कि फारूक ने तुम्हारी ये तस्वीर नहीं देखी चलो तुम तैयारी करो जी भाईजान आने दो लड़के को देख ले उल्टे पांव वापस जाएगा ओ जी थोड़ी चोट कैसी है पुत्र जी हैं जी चोट मेरी है दर्द मेनू हो रहा होगा ना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप अपने काम से काम रखो चोट सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो उदय पुत्र जी है? कल रात भी छुप छुप के दवाई लगा रहे थे ओए डॉक्टर मेरे होते हुए तू फिकर नहीं कर वो सारे ठेकेदार आते ही होंगे अभी काम शुरू करा देता हूँ अरे रणधीर पुत्र आजा तू भी नाश्ता कर ले शामी मेहमान आने वाले हैं ना उसी के वास्ते बातचीत चल रही है आजा जी हाँ बैठ बैठ वश्मा की देख दिखाई और खुश अमरू हो रही है कब से इंतजार कर रही थी कह रही थी अपने हाथों से सजाना है वश्मा नु शुक्रिया प्राजी शुक्रिया किस बात का प्रजाई जी वश्मा की देख दिखाई की रस्म आपने अपने हवेली में रख ली और इतना बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं शायद हम भी ना कर पाते ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो प्रजाई जी मेरे लिए जैसी अमृत वैसी वश्मा सही कह रहा है लाले दोनों तेरी बेटियां हैं जब ये ब्याह करके यहां से जाएगी ना तो तेरा आंगन ज्यादा सुना होगा आंगन भी सुना होगा और दिल भी उदास होगा पर जमाने का दस्तूर है लड़कियों ने तो ब्याह करके अपने घर जाना ही होता है हमारी तो बस ये अरदास है कि इनका हाथ जिनके हाथ में जाएगा वो इन्हें हमसे ज्यादा खुशियां दे अमृत हाँ, नाश्ता दे पुत्र शुक्रिया
शुक्रिया। रणधीर साहब, आपके बाबूजी का ट्रंक आया है। जी, मैं भी आया। अमृत, उदय को भी नाश्ता दे। तैयारी बना बाबूजी। जीतता रहे पुत्र, जीतता रहे। लेकिन ये चल क्या रहा है? दो चार दिन के लिए गया था तू, लेकिन लगता है तू वहां लाला जी की कोठी में बसी गया है। अरे पुत्र, तेरा अखबार है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, कौन संभालेगा? बाबूजी, दिल आ गया है बस। बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब मेरी बात सुन, परसों मैं आ रहा हूं लाहौर तेरी सगाई की तारीख पक्की करने, समझा? अभी मैं फोन रखता हूं। क्या बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, रणधीर बेटा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। वैसे दावत की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगेगा अगर शाम की महफिल में तुम भी शरीक रहो। और लाले ने तो गजल की महफिल रखी है मेहमानों के लिए। ओए डॉक्टर, ओए गजल की महफिल तो बार वालों के लिए है। मैं तो रणधीर से कहने वाला था कि तू हमारी तरफ से कोई तहरीर पेश कर दे। हाँ जी बिल्कुल लाला जी, जैसा आप कहें। अच्छा लाला जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं चलता हूँ। जी तू चल, आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, चल। अरे लगता है अबरार आया है, मैंने उससे कहा था यहीं आने के लिए। ओए तू बैठ। उदय पुत्र, जा देख तो कौन है। कुछ तो जरूर चल रहा है उदय पुत्र जी के दिल विच। काश वो मैनू मां मान ले ते सब कुछ बता दे, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। बैठ पुत्र। लाले सब दिख गए, ब्रिज का है वो नहीं दिख रहा। ब्रिज ने किथे जाना है? होना इत्थे किथे? सवेरे से अपने कमरे में है, नाश्ते के लिए भी नीचे नहीं आए। लाला पुत्र जरा देखी दे। जी। की है ब्रिज? वो प्राजी जो सबको दिख रहा वही है। आज पूरा दिन मैं ऐसे ही रहने वाला हूं। कैसी बातें कर रहे हो ब्रिज? वशमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, क्या सोचेंगे वो? अबे भाई, सबकी चिंता है, मेरी चिंता नहीं है किसी को। पर तू कुछ मुंह से बताएगा भी, दसेगा भी की गल है? प्राजी मैंने ठान लिया, जब तक उदय राधा को अपने मुंह से मां नहीं कहता है, तब तक ये काला रंग नहीं उतारना मैंने अपने मुंह से। मतलब आज तू सबके मुंह पे कालक पुतवाएगा?
और तो अपने भतीजे को बोलो ना कि राधा को माँ बोल दे। अब मेरे पे गुस्सा कर रहे हो? नहीं जी नहीं, रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं ना। जब इनके दिल में आएगा बोल देंगे मम्मा, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं हमें। चुप कर तू। जबरदस्ती है तो जबरदस्ती ही सही। वो वादा दिया है ना तेरे को, तो पूरा करके रहना ही है मैंने। ब्रिज कम से कम आज के दिन तो नहीं? ओ बेग भाई, आज जो ही आज, जो होना है आज ही होना है। और समझाना तो उसे समझाओ जो बेकार की जिद करके बैठा है। लाले पुत्र इधर आलसो। राधा तेरे बाबू जी की कारवारी है, तो तेरी माँ हुई ना। माँ को माँ कहने में कैसी शर्म। बोल दे पुत्र, बोल दे। गिलास पानी पिला दीजिए। माँ जी, पुत्र जी शाबाश। हेलो जी, वो देखा, बुलवा दिया ना इसके मुंह से माँ। अगर इसमें अक्कड़ है तो मैं भी इसका बाप हूं। मनवा तो लेना ही था मैंने इसे। समझ आ रहा है जी मैनू, पुत्र जी ने पक्का जबरदस्ती मां का है मैनू। ढूंढ जाके मुंह तोला। उना है प्राजी। ओ चल मुंह दुलवा, आजा इधर ही नलके से आजा। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि जिस कुड़ी के नाल आपका व्याह हो रहा है वही रामचंद्र है। परसों मैं आ रहा हूँ लाहौर तेरी सगाई की तारीख पक्की करने। लाया मैनू? सुना है किसी की चीज जबरदस्ती रखना गलत है और गलती हुई है मुझसे। अब वक्त रहते गलती नहीं सुधारी तो गलती गुनाह में बदल जाती है। बस यही सोच के आ गया मैं आपके पास। पर मेरी कौन सी चीज रह गई है आपके पास? काश मैं भी आप ही की तरह चीजों को इतनी आसानी से भूल पाता। कम से कम कुछ लुटाना तो ना पड़ता। पर मेरा ऐसा नसीब कहा। जब आपकी ये पायल मुझे पहली बार मिली थी ना तो मुझे लगा था कि इसको मैं हमेशा के लिए अपने पास रख सकता हूं।
पर अब जब इतने करीब से इसे जानने लगा हूं, जितनी शिद्दत से इसे जानने लगा उतनी शिद्दत से मुझे यह एहसास हो रहा है कि इसको मैं हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। चंगा किया जो आप इसे लौटाने वापस आ गए, वरना मैंने तो इसे ढूंढते ही रह जाना था। कुछ गुम है ये तो पता था, पर क्या गुम है ये सोच सोच के तो परेशानी होते रह जाना था मैंने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.